नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली के रोहिणी में एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई है। हालांकि लड़कों को अगवा करने वाले नाकामयाब रहे और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। लोगों ने आरोपियों की धरपकड़ की है और उन्हें जमकर धुनाई की, और जिस कार में उन्होंने लड़की को अगवा करने की कोशिश की थी, गुस्साए लोगों ने उसी कार में आग लगा दी। तो हम आपको बता दें, एक बार फिर से निर्भया कांड होने से बच गया और लड़की को अगवा करने वाले जो लड़के थे उन्हें लोगों ने पकड़ लिया, और जिस कार से अगवा करने की कोशिश की थी उस कार को लोगों ने जला दिया और साथ ही आरोपियों की जमकर धुनाई की है। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ये घटना घटी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस कार को जिस कार से लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, और इसी कार से लड़की को अगवा कर ले जाया जा रहा था, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया और कार को जला दिया। जो चश्मदीद है इस पूरे घटना के, उनका क्या कहना है, ये सुनते हैं। काम करवा रहे थे अपना रोड पे, जो हम रिपेयर करवा रहे थे, उधर से गाड़ी में वो चिल्लाती हुई आ रही थी, शीशे के ऊपर पड़ी हुई थी, कह रही मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। इधर से भाई हुए, इधर से तीन चार ये भाई आए और हम उधर से आए, भागे भागे, इन्होंने गाड़ी आगे लगाई है। जैसे उसको पकड़ा, उसको बाहर निकालने लग गए, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, दोनों तो ऐसे निकालने नहीं लग रहे थे, कह रहे नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो ड्रिंक कर रखे थे उन्होंने, वो हाथापाई करने लगे। फिर सारी पब्लिक ने उनको पकड़ा है, पकड़ के पीटा है, मारा है, लड़की को छुड़ाया है। पुलिस तो बहुत देर में आई है, तो लड़की डर रही थी, डरी हुई, बिल्कुल डरी हुई थी, बिल्कुल सहमी हुई थी, लड़की को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, वो कह रही बस मेरे को बचाओ। और हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिदीप, इस पूरी घटना के बारे में हमें विस्तार से बताए। जी देखिए, रात तकरीबन 9-10 बजे के करीब का मामला है, जब दो युवकों ने लड़की को अपने साथ गाड़ी में ले करके उसके साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश, उसका छेड़छाड़ वो लोग कर रहे थे, गाड़ी चलती रही, तो ऐसे में लड़की जब शोर मचा रही थी, उसके पीछे एक गाड़ी चल रही थी जिसमें दो युवक थे, उन्होंने जब देखा कि गाड़ी में कुछ संदिग्ध हरकत हो रही है, शरीर जो है, हाथ पांव जो है चलाने का वो हो रहा है कि लड़की के साथ शायद जबरदस्ती की जा रही है, तो ऐसे में युवकों ने उस गाड़ी का पीछा करके, उस गाड़ी के आगे लगा करके उस गाड़ी को रोका और लड़की को छुड़ाने की कोशिश करी। आसपास के जो लोग थे वो इस पर जम करके गुस्सा हुए, उन्होंने उन युवकों को बाहर निकाला और उनकी जमकर पिटाई करी। फिलहाल जो है, जो कार है उसमें आग लगा दी गई है और पुलिस ने उन दो युवकों को हिरासत में ले लिया है और युवती को सकुशल छुड़ा लिया गया है। जी, और क्या लड़की से कुछ पूछताछ हुई, क्या ये लड़की उन लड़कों को जानती थी या इस तरह की कोई बात? जी देखिए, पुलिस अभी इस चीज को बताने वाली है। पुलिस का कहना है कि वो अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे के तकरीबन में सारी चीजें साफ कर देगी कि आखिर लड़की जानती थी कि नहीं जानती थी। शायद ये जान पहचान का मामला है, लेकिन जबरदस्ती किस तरीके से लड़के कर रहे थे, लड़की उसके चलते सहमी हुई, और बाकी का मामला पुलिस अभी पूरी तरह पेश करने वाली है। जी, और साथ ही चूंकि ये रोहिणी में घटना घटी है, तो क्या ये पता चल पाया है कि क्या ये लड़की भी रोहिणी की ही थी या फिर ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी? हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, उसके साथ छेड़खानी और बदमाशी करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उस लड़की को देख लिया, उसकी चीख पुकार सुन ली, जिसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। रोहिणी इलाके की यह घटना है और यही वो कार है जो आप देख रहे हैं, जिसे लोगों ने आग के हवाले कर दिया।